Well, hello, folks. Welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म पठान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? Well, friends, it has been a very long day. दो तमिल फिल्में, वो भी फुल साइज बिग स्टार्स की फिल्में देखना, उसको रिव्यू करना, इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग डे एंड कल का दिन भी बहुत ही हेक्टिक होने वाला है। कल बालया की वीर सिम्हा रेड्डी, फ्रेंड्स वीर सिम्हा रेड्डी रिलीज होने वाली है। उस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है। तुनीवू, वारिसु, वॉल्टर वीरैया यूएसए में अभी फिलहाल ऑलमोस्ट $4 लाख का उसका ओपनिंग प्रीमियर है, तो कल वो फिल्म देखने जाना है। मैंने बोला आज जितने भी फैंस हैं उनके लिए एपिसोड बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गाइस मेरे को अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा सिर्फ और सिर्फ साउथ वालों के लिए, यानी कि तमिलनाडु, एपी, तेलंगाना के लिए ये जो ट्रेलर है वो रखा गया है थिएटर्स में। क्योंकि गाइस आज मैंने दो फिल्म देखी। सबसे पहले सुबह मैंने वारिसु देखी, वो भी तमिल वर्जन था, ओके, डब वर्जन नहीं था, एंड वहां पर मैंने पठान का ट्रेलर नहीं देखा। आई लॉस्ट ऑल होप्स। उसके बाद मैं घर आया, फिर मैंने पठान का ट्रेलर एपिसोड बनाया, वारिसु रिव्यू दिया, एंड जब दोपहर में मैं गया देखने के लिए थुनीवू, टू माय सरप्राइज पठान का ट्रेलर आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं आया, वो तमिल में आया। लेकिन वो कहते हैं ना, सिनेमा हैज नो लैंग्वेज। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, पठान जो स्क्रीन पे देखोगे ना, तुमको सच्ची बोल रहा हूँ, कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, जब मोबाइल रहता है उसको जूम करते, एक एक सीन को स्पीड कम करके देखते, अच्छा ये सीन में वो हो रहा है, ऐसा हाथ ऊपर गया, ऐसा मुंडी ऐसी जा रही है, ये कैसा गया। बड़े पर्दे पर ये सब तुम नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट सिनेमा इज। एक साथ फोटोज जो मैजिक स्क्रीन पर आता है ना, दैट इज व्हाट इज सिनेमा। इसलिए बड़े पर्दे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। द पठान ट्रेलर ऑन द बिग स्क्रीन इज अ स्पेक्टिकल, इट्स अ ब्लिंक एंड अ मिस। ब्लिंक एंड अ मिस जो कहते हैं ना, कुछ आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, कुछ करने का नहीं मौका मिलेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एड्रेनलिन पंपिंग ट्रेलर। एंड ये बड़े पर्दे पर स्पेक्टिकल बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट हाउसफुल ट्रेलर, यू नो, थिएटर था थुनीवू का, एंड जो रिस्पॉन्स दिया है पब्लिक ने शाहरुख खान की फिल्म को, तमिल ऑडियंस ने जो रिस्पॉन्स दिया है इज ब्रिलियंट। हूटिंग, विसल्स, ताली, सीटिया, पठान के ट्रेलर को तमिल वर्जन के मुंबई में मिली है, इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती है। एंड गाइस मैंने एटमॉस में इसका साउंड सुना, स्टार्टिंग का सीन था ना, बूम बूम, वो यहां से ऐसी आवाज गई। द साउंड डिजाइन ऑफ द ट्रेलर इज सो गुड गाइस। सचिन और अंकित बलारा ने जो बीजीएम दिया है वो इतना अच्छा है। ये तो मेरा एक फर्स्ट इंप्रेशन था इस पूरे के पूरे ट्रेलर का। मैंने और पॉइंट्स नोट डाउन किया है, मुझे पता है उसके बाद थुनीवू स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, पॉइंट्स नोट डाउन करूंगा, जब एपिसोड बनाऊंगा तब बोलूंगा। सबसे पहली बात, द वीएफएक्स लुक्स क्लीन, एब्सोल्यूट क्लीन। तुमको कोई भी सीन में उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। एक सीन था जो मोबाइल में थोड़ा डाइसी लग रहा था, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान, यू नो, वो बिल्डिंग जो थी गोल्डन कलर की, उसके ऊपर चलते 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 आ रहे थे, थोड़ा डाइसी लग रहा था। बड़े पर्दे पर वो सीन इतना क्लीन दिख रहा था ना, दीपिका पादुकोण के जो बाल में जेल लगा था ना, उसकी भी शाइन दिखाई दे रही थी। ऐसा क्लियर सिनेमाटोग्राफी एंड वीएफएक्स किया गया वो सीन में, दैट सीन इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। नंबर वन, वो वाला सीन का वीएफएक्स। नंबर टू, वो सीन तो ऐसा लगा था कि थोड़ा टैकी लगेगा, द आइस चेस सीक्वेंस, जो आगे जा रहा है, बॉम्ब फेंकता है और ब्लास्ट होता है उसमें, शाहरुख खान इसी बाइक टेढ़ी करके ना धुएं में से निकलता है, वो वाला सीन। वो दो सीन थे जो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा 19-20 लग रहा है, लेकिन मैंने सॉ देम ऑन द बिग स्क्रीन, वो बहुत अच्छा लगा। ये मैंने आईमैक्स में नहीं देखा है, आई एम वेटिंग टू वॉच द ट्रेलर इन द आईमैक्स। तभी जब टीजर आया था तो वह ऑब्वियसली जो फिल्म आई थी तुम्हारी अवतार भैया, तो मैं उसका रिव्यू भी किया है वहां पर, पठान के टीजर का इन आईमैक्स वर्जन। नंबर टू, जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो इतने इफेक्टिव लग रहे हैं, उनका जो इम्पैक्ट है बड़े स्क्रीन पर, स्पेशली स्टार्टिंग में जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जितनी भी शिकायत है आपको, हेलीकॉप्टर कैसा आया घोड़ा उनके अंदर, वो क्या है, वो सब जो सीन्स है ना, इट्स अ ब्लिंक एंड मिस। जो हेलीकॉप्टर चले भी जाता है, हेलीकॉप्टर दूसरा सीन भी स्टार्ट हो जाता है, इतना इफेक्टिव लग रहा है। शाहरुख खान जब मारा मारी करता है, वो ट्रेन वाला सीक्वेंस मारा मारी, वो स्टार्टिंग में वो वाला सीक्वेंस मारा मारी, वो सीन्स इतने क्लीन लगते हैं। बट फॉर मी, मैंने स्क्रीनशॉट भी मार के रखा है, फॉर मी द बेस्ट सीन जो मुझे के पूरे ट्रेलर का बड़े पर्दे पर लगा, वो था नन अदर देन जब वो पूरे के पूरे टीम मेंबर्स वो ग्लास वाला
फोड़ के नीचे आते हैं ना, वहां पर शाहरुख खान बड़ा गॉगल्स पहने गोली मारता और आंख में पूरी वो दिखाई देती है। द पठान ट्रेलर इज अ विजुअल स्पेक्टिकल ऑन द बिग स्क्रीन, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। अभी पता नहीं आप लोग में से कौन कौन थुनियो एंड वारिसो देखने के लिए जाएंगे, एंड मैं ये गारंटी नहीं करता कि आपके थिएटर में वो ट्रेलर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने तमिल वर्जन में देखा है, मैंने कल ही तारीफ की है डबिंग की, इसकी तेलुगु वर्जन की डबिंग बहुत अच्छी है एंड तमिल वर्जन की डबिंग भी ब्रिलियंट दिखाई दे रही है। हर एक सीन यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से बड़े पर्दे पर दिख रहा है ना, कलर ग्रेडिंग बाय रेड चिलीज, तो गन मार्केट जो मैंने बड़े स्क्रीन पर देखा एज वो मिसाइल बॉस, वो फिल्म का इक्का है मेरा भाई, वो क्या दिख रही है मिसाइल, यू नो एकदम लंबी और शाइनी ग्रीन कलर, गन मार्केट में वो गुफा वाला वो वाला मिसाइल सीक्वेंस बहुत अच्छा था। अब भाई अपना घर तो नहीं है कि उसको बोलो वॉइस मोर प्ले कर दो, तो एक बार मैं जो देखा जो दिमाग में आ रहा है अभी वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ट्रेलर खत्म होता है वो फ्लाइंग सूट वाला सीन मैंने मोबाइल में ऑब्जर्व नहीं किया था, जब लोग उड़ते आई थिंक उसमें कुछ नॉस कुछ दबाते हैं, पता नहीं, डोंट कोट मी ऑन दिस वन, धूम में जो बाइक रहती है ना नॉस दबाता भाग जाती है, उसमें जॉन का जो फ्लाइंग सूट आई थिंक वो बटन दबाता नॉस का और वो फ्लाइंग सूट जाता है, उसके पीछे शाहरुख खान का फ्लाइंग सूट जाता है, बस हर एक सीक्वेंस इतना अच्छा लग रहा था गाइस यहाँ पर, एंड वुड फाइट सीक्वेंस एंड एंड में जब शाहरुख खान कहता है ना जय हिंद, इट वॉज अ कंप्लीट इम्पैक्ट फॉर मी एवरीथिंग, शाहरुख खान पर्सनैलिटी ऑन द बिग स्क्रीन। अब इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये टीजर 2-3 मिनट, ये ट्रेलर 2-3 मिनट, ये सब देख के बहुत हो गया, अब पूरा का पूरा प्लेटर चाहिए मेरा भाई, अब फिल्म देखनी है, जो भूख है वो फिल्म देख के ही मिटेगी। आई थिंक पठान विल बी अ कंप्लीट डिलाइट फॉर द ऑडियंस। ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, एंड भैया वो रणवीर सिंह को ट्रेलर में रणवीर सिंह दिखा दिया भाई, वो तो पूरा वायरल हो गया है मीम, वो कौन लड़का है बेचारा रातों रात फेमस हो गया रणवीर सिंह बनके, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।